पंजाब ने आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच हुआ है आज, आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच हुआ है, बापू का बाप हुआ आज का मैच, और पीएसएल का भी घंटा बजा दिया पकड़ के कि ये क्वालिटी बैटिंग होती है आईपीएल में। क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला, इससे पता चलता है कि आईपीएल का क्रेज कहां तक जा चुका है। आईपीएल ने टी20 क्रिकेट को नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। आज यकीन करें जो बैटिंग देखने को मिली है, 45 छक्के 45 सिक्सेस, वन ऑफ द बिगेस्ट इनिंग इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट आज खेली है शशांक। वाह वाह वाह, हाईएस्ट एवर क्रेज इन द हिस्ट्री ऑफ टी20 क्रिकेट, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ जो हमने अभी अभी नजारे लिए। यार ये कह रहा था कलकत्ता जीतेगी, ये कह रहा था। हाँ सुनो, क्या उठा भौंकना बात करो, मेरी सुनो। यकीन करो आज पंजाब ने बता दिया है यार, ये कोई मूवी नहीं है जिसके अंदर आप बादशाह हैं, असल बादशाह। भाई जॉनी बेस्टो ने रन्स किए हैं, लेकिन आप थोड़ा सा आ जाओ ना, आप थोड़ा सा आ जाओ। शशांक सिंह, प्रभ सिमरन सिंह, आईपीएल का यंग टैलेंट, आईपीएल का लोकल टैलेंट, इंडिया का लोकल टैलेंट कितना ज्यादा टैलेंटेड है, कितना ज्यादा टैलेंटेड है कि पकड़ के घंटा बजा दिया उन्होंने, पकड़ के घंटा बजा दिया उन्होंने आईपीएल का, सॉरी पीएसएल का। आज इतना ज्यादा टैलेंट, मुझे इतनी एक बात बताओ, जॉनी बेस्टो ने रन्स किए हैं, अच्छी बात है रन्स किए हैं, बात इतनी करूंगा सिर्फ और सिर्फ इंडिया का जो लोकल टैलेंट है ना, जिसमें शशांक सिंह ने जो आज बैटिंग की है, या उसके बाद जो बैटिंग की है, या वो प्रभ सिमरन सिंह ने पकड़ के घंटा बजा दिया, घंटा बजा दिया, घंटा बजा दिया, घंटा बजा दिया, पकड़ के आओ ना मेरे पास निकल के। हम तो इतनी फुदड़ कौम है, हम तो इतने फुदड़ लोग हैं, हम तो भाई न्यूजीलैंड की सी टीम से पिल रहे हैं, हम तो न्यूजीलैंड की सी टीम हमें आगे जो हमारे साथ जो है वो यकम पट्टी करके जा रही है, और हम मुंह उठा के बैठे हुए हैं, हमारा पकड़ के न्यूजीलैंड ने घंटा बजाया हुआ है, हम लोग क्या बात करेंगे यार। सिंह ने और उसके साथ साथ जॉनी बेस्टो ने, दोनों ने मिलकर यहां पर हल्ला बोल कर दिया, तबाही मचा दी ईडन गार्डन कोलकाता में। कोलकाता को हराना वैसे इम्पॉसिबल है, लेकिन इन दोनों ने ये काम कर दिखाया, और इससे पता चलता है कि आईपीएल का क्रेज क्या है। आईपीएल में बैटिंग ने आज यकीन करो दुनिया हिला के रख दिया, दुनिया में आज तक 250 प्लस का टारगेट चेज नहीं हुआ था, आज पहली दफा 250 प्लस का टारगेट चेज हुआ, और ऐसा हुआ कि दुनिया हैरान रह गई। अभी भी पीछे स्पेयर में आपके पास 10 बॉलें तकरीबन बची हुई थी, और उन 10 बॉलों के रहते ये टारगेट पंजाब ने चेज किया है। देखो अगर एसआरए चेज करता समझ में आता, आरसीबी करता समझ में आता, कोई और चेज करता समझ में आता, पंजाब ने ये टारगेट चेज किया, और जॉनी बेस्टो शशांक सिंह दोनों ने क्या तबाही बैटिंग की है, बिल्कुल सिस्टम हिला के रख दिया। ऐसी बैटिंग हमने रिसेंटली किसी दुनिया के किसी लीग के अंदर नहीं देखी है। आईपीएल क्यों सबसे बेस्ट है, आईपीएल क्यों सबसे ग्रेटेस्ट है, आज हमें ये चीज देखने को मिल गई, बिकॉज आईपीएल ने दुनिया हिला के रख दी है, दुनिया की नंबर वन लीग। ऐसे ही नहीं है ब्रो, माइक इज ऑफ है, माइक ऑफ है, नहीं करो यार, माइक ऑफ कहां से है। और जो कि अभी-अभी हो गया टी20 क्रिकेट 15-16-17 जितने भी साल हो गए, या 20-18 व्हाटएवर, इतने सालों में इतना बड़ा टोटल आज तक चेज नहीं हुआ। हैट्स ऑफ टू मिस्टर बग्गा, प्रभ सिमरन सिंह, रोसो भी ठीक खेल के गया, और एंड पे शुशांक, ओए होए होए होए, छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का, और फिर और भी छक्के पे छक्का। तो आज जॉनी बेस्टो उसने बताया कि भाई मेरा नाम है बग्गा, तो बग्गा है मेरा नाम, बेशक ना चलूं मैं, लेकिन आई एम अ मैच विनर, ही इज अ मैच विनर। हैट्स ऑफ टू दैट यंगस्टर शुशांक सिंह एज वेल, और कमाल कर दिया भाई, एक से बढ़ के एक। सर कैसे हैं आप? पंजाब वर्सेस केकेआर, आज केकेआर को तो भाई पंजाब ने टोके रखते, दो सिंह थे सिर्फ जिन्होंने भाई पूरी गेम का जवाब पासा एक टाइम में पलट के रखा। आईपीएल की हिस्ट्री में मैंने इतना बड़ा चेंज होता नहीं देखा, जब 261 स्कोर हो गया मैंने कहा यार कभी किसी सूरत चेंज नहीं हो सकता, पर पंजाब ने बोला कि यार हमें दौड़ने शामिल होने, दो सिंह ब्रदर्स ने, प्रभात सिमरन सिंह और शशांक सिंह ने, यार दो के पागल कर दिया यार, सिंह इज किंग मान गए भाई, और साथ जॉनी बेस्टो का आज बैट चला ही चला, सेंचुरी 45 बोलो के यार हमें मैच का मजा आया यार। दुनिया बहुत सारी क्रिटिसाइज कर रही है यार एक बार फटा पिच है, आप लोग भी बना लो कर लो, हमें छक्के चौके चाहिए यार, पीएसएल के अंदर 200 बड़ी मुश्किल से होता है, छक्के चौके लगे हवा में एंटरटेन हो, हमें बड़ा स्कोर नजर आए यार, अभी 8 बोले पड़ी हुई थी, अगर मुझे 290 भी स्कोर होता ना तब भी अच्छा, और शुक्र करो पंजाब ने पहले बैटिंग नहीं कही, मैंने 300 लगता हुआ नजर आ रहा था आज, मजेदार बॉलिंग सुनील नारायण ने अच्छी बॉलिंग की है, अगर सुनील नारायण को 24 स्कोर ना लगता तो शायद 15 ओवर में चेंज होता हुआ नजर आ रहा था। सुनील नारायण ने कलकत्ता किसने परफॉर्म किया यार, बेचारा शाहरुख जब भी मैच देखने आता है कलकत्ता हार देती है यार, शाहरुख तू मैच देखने ना, दुख तो है शाहरुख की टीम हारी है, पर पंजाब की जो पीटी जिंदा की टीम लाइक मजा करा दिया, इतना बड़ा चेंज कर लिया, हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेंज है, हमारे पास तो टैलेंट ही नहीं है, यकीन करो मेरी आंखें फट गई हैं यार, यकीन करो। फिर भी जो बात है एक अलग चीज है, टी20 में 262 चेज नहीं होता, एक अलग जो पावे बैटिंग विकेट पे बने हुए, पावे फ्लैट ट्रैक पे बनाओ, पावे जहां मर्जी बनाओ, 262 चेज नहीं होता, कुछ भी कर लो इतने रन चेज नहीं होते, और अगर इतने रन चेज हो रहे हैं और वो चेज करवा कौन रहा है यार, जरा जरा ये भी देखना, वो शशांक सिंह जिसको आज उस दिन पंजाब ने गलती से पिक कर लिया था, गलती से पिक करने वाला प्लेयर ने आज मेरे गोती भैया को बजा दिया पकड़ के, गौतम गंभीर उधर, मैं कहता हूं गौतम गंभीर उधर सोच रहा होगा ये हुआ क्या उस बंदे के साथ,
ये हुआ क्या उस बंदे के साथ। लेकिन देखो मैं हमेशा से एक बात करता आ रहा हूं, मैं इस बात की कसम भी उठाता हूं, और ये बात मैं आपको पता है हमेशा से करता आ रहा हूं, जितना टैलेंट इंडिया के पास है क्रिकेट का, यकीन कर लो किसी के पास नहीं है। जितना टैलेंट इंडिया का क्रिकेट के पास है, क्रिकेट का जो टैलेंट है जो इंडिया के पास है, लिख के देता हूं किसी के पास नहीं है। हम पाकिस्तानियों के पास तो घंटे का किंग है जिसको न्यूजीलैंड की बी टीम आके बजा रही है। हम पाकिस्तानियों के पास तो सिर्फ घंटे का किंग है जिसको बी टीम आके बजा रही है। हमारा तो घंटा बी टीम ने पकड़ के बजा दिया है, हमारा तो न्यूजीलैंड की एल टीम ने पकड़ के घंटा बजा दिया, क्योंकि हम तो घंटे के किंग है। हमारा काम है बजवाना और हम सिर्फ बजते हैं, हमारा काम बजवाना और हम सिर्फ और सिर्फ बजते हैं, क्योंकि लोग हमें बजा रहे हैं पकड़ के, जो आ रहा हमें बजा रहा पकड़ के। लेकिन थोड़ा सा फोकस करो इधर, यकीन करो यार, मतलब आप अंदाजा लगा लो 262 आईपीएल में चेज हुआ है, हिस्ट्री क्रिएट किया पंजाब ने, किसने और ऐसे काम पंजाब या आरसीबी ही कर सकती है। देखो पंजाब और आरसीबी यह बड़ी ही ज्यादा ऐसी टीमें हैं जो अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंसेस भी दे देंगी और किसी ऐसी टीम से भी हार जाएंगी या कोई ऐसा जीता हुआ मैच भी हार जाएंगी जिसका आप तस्वीर भी नहीं कर सकते। आईपीएल ने दुनिया हिला के रख दिया भाई, आवाज आ रही है नहीं आ रही, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दो, क्योंकि यहां पर आईपीएल का ये मैच, आईपीएल का ये काम, आईपीएल का ये रिकॉर्ड कभी हिस्ट्री में टूट ही नहीं पाएगा। आईपीएल क्यों दुनिया के नंबर वन लीग है आज लोगों को पता चल गया होगा, बिकॉज शशांक सिंह ने जिस तरीके की आज बैटिंग की, जिस तरीके से जॉनी बेयरस्टो ने बैटिंग की, इंडियन आईपीएल प्रीमियर लीग का लेवल ऊपर से ऊपर पहुंचा दिया। और यकीन करो आज आईपीएल दुनिया की नंबर वन लीग क्यों है ये आज हमें पता चल गया। आज हमें यहां पर भाई बहुत बड़ी हिस्ट्री बन गई है, पागल हो गई है दुनिया, क्योंकि भाई आप खुद सोचे ब्रो, शॉक्ड हो गए 100% शॉक्ड हो गए कि कैसे ये हुआ, तो हुआ कैसे, ये मुमकिन कैसे है, आईपीएल में इतनी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट हुई है यार। सबसे बड़ा टारगेट चेज दुनिया में किसी ने नहीं किया था आज तक, और ये काम हुआ है आईपीएल के अंदर, इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर। ड्रीम इलेवन में 8-10 के जीत गया, बहुत बहुत मुबारक हो जिस जिसने ड्रीम इलेवन में लगाया था, लेकिन हमारी बदकिस्मत है कि हमारे पाकिस्तान में ड्रीम इलेवन वगैरह है ही नहीं, वरना हम भी पैसा लगाते, हम भी जीतते। लेकिन भाई जो इनिंग आईपीएल ने खेली आज, आईपीएल ने क्या खेली देखो, अगर मैं स्कोर कार्ड आप लोग को बताऊं तो ये कुछ ऐसा स्कोर कार्ड है कि दुनिया हिल जाएगी, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है। खुद सोचो सबसे पहले तो भाई यहां पर सिंह साहब ने 54 रन स्कोर किए 20 बॉलों के अंदर, मतलब स्टार्ट ही ऐसा क्या, शुरू से ही ऐसा इंटेंट दिखाया। आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद दयानत है, दयानत हमीद आपको नजर आता है मेरी वीडियो के नीचे, वहां पर आप लोग देख सकते हो शुरू से इंटेंट नजर आया कि भाई ये चेस करने के लिए जा रहे हैं, ये किसी के बाप से भी नहीं डरेंगे, ये नहीं रुकेंगे। और यकीन करें मैं बिल्कुल हैरान हूं इस बात के ऊपर कि ये हुआ तो हुआ कैसे भाई। भाई देखो T20 कैसे खेलते हैं और पाकिस्तान को देख लो, हमारे हिजरे तो भाई ये फेल हो गए, हमारे हिजरे न्यूजीलैंड की सी और डी टीम से हार रहे हैं, यहां पर 250 पे 250 चेज हो रहा है, हमसे 178 चेज नहीं हो रहा। ये है T20 आज का क्रिकेट, जो कि मैं कहूंगा मेरे पाकिस्तानियों से हाथ जोड़ के सीखो, देखो कि क्रिकेट कैसे की जाती है। पाकिस्तान में ऐसे कोई प्लेयर नहीं होगा हमारे डोमेस्टिक प्लेयर जैसा, बिल्कुल जो शशांक सिंह ने आज इनिंग खेली है यार, उसकी इनिंग देखो 68 रन 28 बॉल्स 8 छक्के और 2 चौके शशांक सिंह। और ये वो प्लेयर है जिसको बाय मिस्टेक यहां पर सेलेक्ट किया गया था, बाय मिस्टेक सेलेक्ट होकर एक प्लेयर ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा था, खुद सोचो इंडिया में कितना टैलेंट पड़ा हुआ है भाई, उनके पास कितना ज्यादा स्पेयर में टैलेंट पड़ा है, अगर वो अपना टैलेंट निकालना शुरू कर दे तो दुनिया हैरान हो जाएगी। सर वो भी तो बेचारी हारती रहती है पंजाब की ब्रिटिश अंडा, आज उसको खुशी मिल गया तो वो भी तो अच्छी बात है। नहीं ठीक है यार, बड़ा मैच हुआ यार, इतना बड़ा स्कोर, ब्लेक एक हार देता स्कोर था जो कि सिंह ब्रदर्स ने और जॉनी बेयरस्टो ने मिलकर चेज किया है, सिर्फ 2 विकेट आउट हुई है यार, मैं खुद हैरान हूं। यही अगर टीम को इंडिया वर्ल्ड कप में ले जाए, हम इधर न्यूजीलैंड से दलील हो रहे हैं, उधर देखें इंडिया नए प्लेयर को तैयार कर रहा है, पाकिस्तान को डरा रहा है, मुझे लग रहा है हमारे प्लेयर इंग्लिश से डर गए हैं, हम वर्ल्ड कप में क्या करके भाई, मैं परफॉर्म ना करूं इंडिया के खिलाफ जाकर दलील होना मेरे 9 जून को जा आगे। बिल्कुल ऐसे मुझे ये बताएं कि अगर स्टार होता तो आज आपको लगता कि यार वो सेव कर पाते यार, वो 24 करोड़ वेस्टेड है, 24 करोड़ शशांक को देते आप, रिंकू सिंह को देते आप, सब इंडिया के पास इतने बड़े बैट्समैन जो अभिषेक शर्मा को देते, कितने कितने बड़े बैट्समैन निकल 24 करोड़ जाया किया यार, कहां पे यार। इंडिया अपने ही प्लेयर को देखना, अभी जो नेक्स्ट ईयर होना है मेगा ऑप्शन होनी है आईपीएल के, उसके अंदर आपको कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर को ज्यादा पैसे नजर नहीं आएंगे, इंडिया से बड़े बड़े प्लेयर्स को पैसे मिलेंगे, गोरे तो यार जाया हो गया यार इंडिया के अंदर आगे। ये वही बैट्समैन इंडिया ने बुला के घर बुला के रील कर रहा है, जैसे वर्ल्ड कप में रील कर रहा था, ऑस्ट्रेलियन जीते थे, ऑस्ट्रेलिया को कोई भी प्लेयर चलता हुआ नजर आया ट्रेविस हेड के अलावा, कोई भी नहीं चल रहा यार। पंजाब किंग ने जो जितना बड़ा स्कोर चेज कर लिया, हिस्ट्री में लिखा जाएगा, गोल्डन अल्फाज में लिखा जाएगा भाई, वो भी कलकत्ता जो कि टेबल टीम्स के दूसरे नंबर पे बैठी हुई थी। बिल्कुल ऐसे सर, आपको उम्मीद थी कि यार जब 261 का स्कोर हो गया, आपको उम्मीद थी कि यार पंजाब का इतना बड़ा स्कोर तो है नहीं, तो आपको उम्मीद थी कि यार चेज हो जाएगा ये? नहीं, मैं तो बैठ कर मैंने कहा यार मैच वन साइडेड हो गया, जब 261 स्कोर लगा मुझे लगा मैच वन साइडेड हो गया, पर पंजाब ने स्टार्टिंग में शायद पहले कोई पहले 6 ओवर्स के अंदर शायद 150 स्कोर हो गया, 130 के बाद स्कोर हो गया, मेरे ख्याल पंजाब मैच ले गई, लास्ट में आगे थोड़ा सा मैच खटखटाया है, जब जॉनी बेयरस्टो का 95 हुआ था ना, तब सिंह साहब ने एंट्री मारी, उन्होंने कहा खड़ो आप सिंगल डबल पे रहो, अभी उसने आगे दो के किसी बॉलर को नहीं बख्शा, ठीक है मार मार के यार शायद 24 बॉल्स के अंदर उसने 65 स्कोर कर लिया यार, मानना पड़ेगा। आपकी स्पॉट किसकी तरफ थी? मेरी तो यार किसी की तरफ नहीं थी, पर शाहरुख खान की तरफ थोड़ी बहुत मेरी थी स्पॉट, क्योंकि कलकत्ता में शाहरुख खान है, ये मेरे साथ है, देखिए
यकीन करो आज पंजाब ने बता दिया है यार ये कोई मूवी नहीं है जिसके अंदर आप बादशाह हैं, असल बादशाह पंजाब है, पाकिस्तान में भी और इंडिया में, ठीक है। बाकी जितनी तहसीलें जितने जिले आप तो कलकत्ता को सपोर्ट कर रहे थे, आप तो कलकत्ता जीतेगी, मेरा घंटा कर रहा था पंजाबी हूं, पंजाब को क्यों नहीं करूंगा पास, पंजाब ने ठोका नहीं, आज आईपीएल का सबसे बड़ा कह रहे पंजाब ने आज जीता है। पंजाब को असल फील हो रहा था कि पंजाब सोया हुआ है, उन्होंने देखा आईपीएल तो आधा हो गया, उन्होंने उसको गिरा दे दिया। हेलो दोस्तों, कल आईपीएल हिस्ट्री का और एक नया रिकॉर्ड बना, जो रिकॉर्ड बना है पंजाब ने। पंजाब ने आईपीएल हिस्ट्री में सबसे बड़ा चेज किया, 261 रन को चेज कर दिया, जिसमें से शानदार शतक लगाया जॉनी बेस्टो ने। जॉनी बेस्टो ने 48 गेंद ओवर 108 रन बनाकर मैच को जिता दिया और वो नॉट आउट भी रहे। उसके अलावा और दो बैट्समैन ने शानदार बैटिंग करे जिन्होंने बहुत ही खतरनाक बैटिंग की। तो आपको क्या लगता है इससे भी बड़ा चेज होगा इस साल आईपीएल में, आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।